नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन न्यूज बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछेंगे। यह सवाल इसी न्यूज से जुड़ा होगा। ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट पे लेंगे। वहीं अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बड़े स्तर पर चतुर्थ कृषि कर्मचारियों की होगी भर्ती। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया हुई शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार द्वारा दी गई विदाई। बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार खिलाड़ी का खेलना मुश्किल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बड़े स्तर पर चतुर्थ कृषि कर्मचारियों की होगी भर्ती। अगर आप भी सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार में बड़े स्तर पर चतुर्थ कृषि कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मालूम हो कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला के डीएम को पत्र लिख उनके विभाग से संबंधित रिक्त पदों की जानकारी की मांग की गई है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही सभी विभागों, प्रमंडल और जिलों में चतुर्थ कृषि कर्मचारियों की बड़े स्तर पर बहाली हो सकती है। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। देश को उसकी पहली रैपिड रेल मिल गई है जिसको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस दौरान वहां यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। वहीं अब शनिवार यानी कि कल से आम लोगों के लिए इस ट्रेन की सेवा की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि पहले फेज में इस ट्रेन से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर की यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी। मालूम हो कि इस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार द्वारा दी गई विदाई। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे का समापन शुक्रवार को गया से करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति को सम्मानित कर विदाई दी। विदाई के दौरान मंत्री विजय चौधरी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे में राष्ट्रपति ने मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लिया तथा पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेका। गया में राष्ट्रपति का केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होना है। इस कार्यक्रम के बाद उनका बिहार द्वारा समाप्त होगा और वह दिल्ली के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ा रिकॉर्ड। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 17 साल 56 दिन तक राज्य की कमान संभालते हुए उन्होंने अपने नाम एक अनूठा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह रिकॉर्ड श्री कृष्णा सिन्हा के नाम था जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 17 साल 52 दिनों तक रह चुके थे। लेकिन अभी श्री कृष्णा सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम बने रहने में आगे है। दरअसल श्री कृष्णा सिन्हा 14 साल 314 दिनों तक राज्य की कमान संभाल रखी तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 साल 229 दिनों तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के सफर की बात करें तो सबसे पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 को बने थे। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2005 को शपथ लिया। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को, छठी बार 27 जुलाई 2017 को, सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को और आठवीं बार 2022 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं जिसमें विज्ञापन संख्या 26/2023 की आलोक में विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आज यानी कि 20 अक्टूबर से सुबह 9:30 बजे से प्राथमिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है जो कि अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया किस चरण में होगी तो वैसे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/education-bihar पर जाकर अपने रोल नंबर के माध्यम से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी पता कर सकते हैं। वाहन के साथ 288 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्करों के द्वारा तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात किया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के नवादा के फतेहपुर नरहट पथ का है जहां अकबरपुर पुलिस के द्वारा छापेमारी करते हुए एक वाहन से 288 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा उस वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। वही फिलहाल वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर तस्कर की पहचान की कोशिश की जा रही है।
नौवीं से ग्यारहवीं की मासिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका भेजेगा बोर्ड। बिहार बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा कार्यालय को यह जानकारी दे दी गई है कि राज्य की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं से ग्यारहवीं तक बच्चों के लिए होने वाली मासिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा OMR उत्तर पत्रक भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर मासिक परीक्षा ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नौवीं और दसवीं की मासिक परीक्षा की शुरुआत 26 अक्टूबर से हो रही है, जो कि 28 अक्टूबर तक चलेगी, तो वहीं ग्यारहवीं की मासिक परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो रही है, जो कि 6 नवम्बर तक चलेगी। मालूम हो कि इससे पहले सितम्बर महीने में हुई परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से केवल प्रश्न पत्र ही भेजे गए थे, लेकिन अब अक्टूबर से होने वाली मासिक परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका भी भेजे जाएंगे। स्कूलों को 20 से 21 अक्टूबर तक उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इन सबके अलावा 12वीं का सेंटर परीक्षा के लिए भी बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से हो रही है और जो 6 नवम्बर तक चलेगी। अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री मेधा शंकर पहुंची पटना। बीते दिन गुरुवार को अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री मेधा शंकर 27 अक्टूबर को पर्दे पर रिलीज होने वाली अपनी फिल्म 12वीं फेल के प्रमोशन को लेकर बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां उन्होंने पटना के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिल्म का प्रमोशन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विधु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है, जो आप सभी को काफी पसंद आएगी, इसलिए इसे जरूर देखें। वही अभिनेत्री मेधा शंकर के द्वारा भी अपील करते हुए कहा गया कि उन्हें बिहार के दर्शकों से अधिक संख्या में इस फिल्म को देखने की उम्मीद है। वहीं प्रमोशन कार्यक्रम के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री मेधा शंकर बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर भी दर्शन करने पहुंचे और साथ ही उन्होंने मरीन ड्राइव का भी मजा लिया। बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय। बिहार शिक्षक भर्ती के तहत प्राइमरी में शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर करवाई गई थी, जिस पर आज यानी कि 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस सुनवाई को टालते हुए सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब इस याचिका पर 30 अक्टूबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव के द्वारा कहा गया है कि इस पर अभी सुनवाई लंबित है और सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर को हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच पर 30 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीते बुधवार को प्राथमिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीएड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बिहार में 300 और अफसरों का हुआ प्रमोशन। नीतीश सरकार की ओर से आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में राज्य कर्मियों और अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया के तहत बीते दिन विभिन्न विभागों में लगभग 300 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, जिसमें मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 118 पदाधिकारी को प्रमोशन दिया गया है, तो वहीं शिक्षा सेवा में 74 अधिकारियों को और बिहार पुलिस सेवा में 102 अफसर को प्रमोशन दिया गया है। मालूम हो कि राज्य सरकार के फैसले के तहत इन पदाधिकारी को ऊपर के वेतनमान के साथ प्रमोशन मिला है। हालांकि इनमें कुछ भी ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें एक बार में 2 पद ऊपर प्रमोशन मिला है। बता दें कि इससे पहले भी सूची जारी कर विभिन्न विभागों के कई पदाधिकारी और अफसर को प्रमोशन दिया जा चुका है। चिराग पासवान ने इन जातियों के लिए मांगा SC ST का दर्जा। बिहार में अब तक जाति गणना की रिपोर्ट पर राजनीति जारी है। इसी कड़ी में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा बिहार के नीतीश सरकार से कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने की मांग की है। बता दें कि जिन जातियों को उन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है, उनमें हलवाई, नुनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली और चंद्रवंशी जाति शामिल है। वहीं इसके अलावा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है। बता दें कि मांग करते हुए चिराग पासवान के द्वारा बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड का उदाहरण दिया गया। उन्होंने कहा कि इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया जाना चाहिए। बीजेपी संघ जाने पर JDU की सफाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान की भाजपा के साथ आजीवन दोस्ती रहेगी पर सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। अब इसी को लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा कहा गया नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ पुराने संबंध है और उन्होंने अगर ये बात कही तो इसमें गलत क्या है। बीजेपी में कई ऐसे सीनियर लीडर है जो नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक में काम कर चुके हैं। कई लोगों ने नीतीश सरकार से अलग होने के बाद नीतीश कुमार से आग्रह किया कि उन्हें सरकारी घर से बाहर न किया जाए, वे स्वेच्छा से आवास खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नीतीश कुमार ऐसे सियासी शख्सियत है जिनके लिए हर पार्टी का दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने साथ लेने के लिए चारों हाथ से हर पार्टी खुला हुआ है। अब QR कोड के माध्यम से लोगों से जुड़ेगी बीजेपी।
बीते दिन गुरुवार को बीजेपी के द्वारा पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े एवं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से पार्टी के QR कोड को लोकार्पण किया गया, जिसका आकार गोल है। बता दें कि इस QR कोड को वन अर्थ वन फैमिली एवं वन फ्यूचर से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसके मध्य में एक कमल का फूल है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि भाजपा इंटरनेट मीडिया की लोकप्रियता बढ़ी है, ऐसे में अब जब QR कोड को लॉन्चिंग हो गई है तो और भी अधिक संख्या में लोग भाजपा से जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी सभी संगठनात्मक कार्यालयों में QR कोड लगाया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार खिलाड़ी का खेलना मुश्किल। इंडियन टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गेंदबाजी के वक्त पांड्या चोटिल हो गए थे। ऐसे में अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से लगभग बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हार्दिक टीम इंडिया के लिए धर्मशाला नहीं जाएंगे। हालांकि खबरों के मुताबिक 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले वह फिट हो जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि पांड्या की चोट ज्यादा गंभीर नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि 2023 के विश्व कप में भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी 4 मैचों में जीत हासिल की है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.74 रुपए और डीजल 94.51 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.07 रुपए और डीजल 94.79 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.98 रुपए और डीजल 95.64 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.44 रुपए और डीजल कीमत 95.61 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, आज पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए रैपिड रेल का क्या नाम है? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी नमो भारत, ऑप्शन सी सुपर एक्सप्रेस, ऑप्शन डी राजधानी एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नमो भारत। अगला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बने? ऑप्शन ए 22 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 24 नवंबर 2005, ऑप्शन सी 26 नवंबर 2010, ऑप्शन डी 16 नवंबर 2020। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 फरवरी 2015। अगला सवाल, अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री मेधा शंकर अपने किस फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे थे? ऑप्शन ए एडिथ इन द गुंज, ऑप्शन बी हसीन दिलरुबा, ऑप्शन सी किनेवेट सनी, ऑप्शन डी बारहवीं फेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बारहवीं फेर। अगला सवाल, 11वीं की मासिक परीक्षा की शुरुआत कब से हो रही है? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 अक्टूबर। अगला सवाल, विश्व कप 2023 में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच कब खेला जाने वाला है? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29 अक्टूबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, उमेश सिसदेव, मुटु रंगीला, पप्पू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, पवन सिंह, जैसिका गुप्ता, मोहम्मद फहीम, कृष्ण कुमार यादव, पार्वती रॉय, कृष्णा कुमार, राजेश कुमार, सिद्धार्थ कुमार, राजकिशोर महतो, अर्जुन रमा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर को होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या के न खेलने से खेल पर कितना असर पड़ेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।